बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर लेक्चर करेंगे वो है डिजाइनिंग वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है कि जहाँ हम बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी चाहती हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर लोग उनकी चीजों को सर्च कर ले, तो वो क्या बनवाते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं। जिस तरह हम इंटरनेट पे देखते हैं बेशुमार वेबसाइट हमारे सामने आती हैं, वो तमाम क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिजाइनिंग ए वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को बनाने के लिए हम इनिशियल तौर पे यानी इब्तदाई तौर पे किस तरह काम करते हैं और वेबसाइट को बनाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डिजाइनिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट का बनाने का जो बेसिक वे है, जो तरीका है या मेथड है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजाइनिंग वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है और आज हम वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे कि वेबसाइट का जो स्टार्ट में जो हम सीखते हैं लर्निंग प्रोसेस है, जो किस तरह वेबसाइट को बनाया जाता है। वैसे तो एक बहुत बड़ी फील्ड है कंप्यूटर साइंस में वेबसाइट को बनाना, लेकिन हम यहाँ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे हम HTML लैंग्वेज को यूज करके। HTML लैंग्वेज क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ कुछ ये लिखा हुआ स्लाइड में इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग का मतलब जब इंटरनेट पे हम बहुत सी चीजों को सर्च कर रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर चीजों को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्फिंग। इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वन लाइफ, यानी इंटरनेट हर एक बंदे की लाइफ का हिस्सा है। एंड वी यू स्टूडेंट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। इसमें ये जो स्लाइड इनको मैं पढ़ूंगा, इसको जरा देखना, इसमें बहुत ही आसान सा काम है, वो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल भी। When you send request to web server, यानी कि जब भी हम एक अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिस तरह हम कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट से, तो वो हमारी रिक्वेस्ट किधर जाती है, वेब सर्वर पे। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बात की थी, वेब सर्वर पे हमारी रिक्वेस्ट जाती है थ्रू अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, ये जो हमारे पास गूगल है, ये देखें जिस तरह ये मैं अभी आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ये गूगल, ये गूगल है, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा देता है, वो होता है वेब ब्राउजर। मुख्तलिफ किस्म के वेब ब्राउजर होते हैं, जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ गूगल है, विडमेट वगैरह। तो ये जब मैं यहाँ कोई चीज सर्च करता हूँ, जिस तरह मैं ये चीज सर्च करता हूँ जियो न्यूज, तो ये जो मैंने सर्च की है ना, ये एक्चुअली जो मेरी रिक्वेस्ट है किधर जाएगी, वेब सर्वर के पास। और वेब सर्वर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जहां चीजें पड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट किधर गई है, ये देखें, ये इधर मैं सर्च करूंगा, ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट हूँ और ये क्लाइंट मैंने यानी किसी ब्राउजर पे जाके यानी गूगल पे जाके मैंने जो चीज सर्च की वो किधर गई है, वेब सर्वर। ठीक है, तो ये बात इसने की है। तो स्लाइड पे आ जाते हैं दोबारा, कि व्हेन यू रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर, यानी कि आप ब्राउजर पे जाते हैं थ्रू वेब ब्राउजर, जिसना अभी गूगल हमने ओपन किया था, टू एक्सेस अ वेब पेज। वेब पेज यानी किसी वेबसाइट के अंदर जो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं उनको बोलते हैं वेब पेज। यू गेट एन HTML, तो हम जो रिस्पॉन्स, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये देखिए लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका स्टैंड फॉर है, ये MCQ आता है, एज रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, तो वो जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो HTML की फॉर्म में हमें मिलता है। द वेब ब्राउजर, यानी कि ये जो गूगल था हमारे पास, या विडमेट या फायरफॉक्स या इस तरह के हम करते हैं जो, उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। अंडरस्टैंड द HTML, जो हमारा वेब ब्राउजर है वो किसको अंडरस्टैंड करता है, HTML को। HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड डिस्प्ले द कॉन्टेंट ऑफ द वेब पेजेज, और फिर वो वेब पेजेस को क्या करवा देता है, शो करवा देता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टेल द ब्राउजर, ब्राउजर को बताता हाउ द कॉन्टेंट आर स्ट्रक्चर इन साइड अ वेब पेज। ये दोबारा सुन लें, ये देखें, ये मैं वेब ब्राउजर पे गया और यहाँ जो भी मैं वेबसाइट लिखूंगा उसको कौन समझेगा, वेब ब्राउजर। और वो जो भी, वो जितनी भी वेबसाइट वो लिखी जाती है, वो लिखी जाती है एक्चुअली HTML पे। किस पे लिखी जाती है, HTML पे। जिस तरह मैं लिख देता हूँ BBC न्यूज, ये जो मैंने सर्च लिखी है ये एक्चुअली ये मेरा जो डाटा है ये जाएगा वेब सर्वर पे, और किसके थ्रू जाएगा, वेब ब्राउजर, यानी जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये वेब ब्राउजर है, और जहां ये चीजें मुझे मिलेंगी, जहां पड़ी हुई हैं, वो क्या है, वेब सर्वर। तो ये देखें इसकी बात की, ये सारी जो चीजें, ये जो हमें नजर आ रहा है ये डिस्प्ले, ये एक्चुअली किसमें लिखा गया है, HTML पे। किसमें लिखा गया है, इसकी बात कर रहा है कि ये जो हमें कॉन्टेंट नजर आ रहे हैं ये वाले,
ये देखिए यहाँ लिखा होम, यहाँ ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये इधर मुख्तलिफ किस्म के ये इधर बने हुए हैं मेन्यू, इसको बोलते हैं ये डिजाइन की गई है HTML की वजह से। ठीक है, दोबारा सुन लें, द वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड द HTML एंड डिस्प्ले द कॉन्टेंट ऑफ वेब पेज। ये देखिए वेब पेज थे, ये देखें ये हमारे पास, ये देखें, और इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, यानी इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं एक नए पेज पर चले जाऊंगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक लगा हुआ, यानी ऐसा लिंक जो हमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ले जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक। यहाँ लास्ट पे शायद वो बना भी वो होगा नेक्स्ट पेज का। तो ये हमारे पास जो नजर आ रही है ना, ये सारी वेबसाइट बनी हुई है, और ये बनी हुई है HTML के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो डेफिनेशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस, ये वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और वेब पेजेस से ही मिलकर हमारी क्या बनती है, वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। देर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द सेम HTML। एक इसमें हाइपर टेक्स्ट होता है और एक होता है मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, द टर्म हाइपर टेक्स्ट इज यूज टू स्पेशल टेक्स्ट इन वेब पेज कॉल्ड हाइपर लिंक। स्पेशल जो टेक्स्ट होते हैं उनको बोलते हैं हाइपर लिंक। ये देखें जिस तरह मैं देखता हूँ, ये देखिए स्पेशल टैक्स है ना, जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ये थोड़ा जूम कर देता हूँ स्टूडेंट आपको, ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखिए ये जो मैंने इस पे अगर क्लिक करता हूँ ना, तो ये मेरे पास एक ऐसा लिंक है जो मुझे वीडियो के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे पेज के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए यहाँ से फिर और ऑप्शन आ रही है, तो ये हाइपर लिंक, ये स्पेशल जो टैक्स है इनको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो ये किस में लिखे जाते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज। बाई क्लिकिंग ऑन दीज लिंक यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, यानी कि एक वेब पेज से हम किधर मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट वेब पेज पे। हाइपर लिंक आर यूज टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि पूरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम नेविगेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मार्कअप क्या है, वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी जो हमारी वेब पेज है ना एलिमेंट से मिलकर बनती है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, उनको बोलते हैं टैग्स। अब ये टैग्स क्या होते हैं ये सुन लें, यानी कि अगर हमने एक पैराग्राफ एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वो हम टैग्स में लिखेंगे, वो हम सीखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ वेबसाइट पे, तो वो एक टैग्स की मदद से मैं इमेज लगा सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं वहां ना अपना कोई लिंक लगाना चाहता हूँ हाइपर लिंक, वो भी किसकी मदद से लगेगा, टैग्स। तो ये देखें, इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट ऑन योर पेज, अगर हम अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं एक पैराग्राफ, तो हम क्या करेंगे, टैग यूज करेंगे। ये देखें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी, और ये लिखा हुआ अंडरस्कोर पी, इसको बोलते हैं स्टार्ट टैग, और इसको बोलते हैं एंड टैग, और इसके दरमियान जो हम लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, शो हो जाता है। तो स्टूडेंट ये देखें डिफरेंट किस्म के पैरा ये टैग्स है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंड टैग है, और ये जो लिखा जाता है ये सारा उसके दरमियान आ जाता है। ये देखिए लिखा हुआ ओपनिंग टैग, और इसको बोला है क्लोजिंग टैग, और ये इसको ब्रैकेट एंगल बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे लिखे होंगे बोर्ड पे इसको बोलते हैं ब्रैकेट एंगल। ठीक है, और इसको स्टूडेंट अगर हम अब देखें प्रोसेस है आगे के वेबसाइट का, क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट, अगला हमारा टॉपिक है, एक वेब पेज बनाना है, पहला वेब पेज बनाना है और उसको डिस्प्ले करना है हमने, यानी कि हम बिल्कुल स्टार्ट पे देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर या किसी सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी, टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल, जिसके ऊपर हमने ये सारी चीजें लिखनी है, वेबसाइट की कोडिंग करनी है। इन MS विंडो यू कैन यूज नोट पैड, एंड इन मैक यू यूज टेक्स्ट एडिट, यू कैन फॉलो दीज फोर स्टेप टू क्रिएट योर वेब पेज। ये चार जो स्टूडेंट HTML की मदद से अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम ये चार स्टेप फॉलो करेंगे और हम वो उस पर काम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या है, ओपन टेक्स्ट एडिटर। अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, अगर आप अपने आपके पास विंडो तो यहाँ सर्च करेंगे ना आप नोट पैड, तो यहाँ देखिए नोट पैड मैंने लिखा है तो ये आ गया इधर। ठीक है, ये नोट पैड लिखेंगे, ये थोड़ी मैंने पहले की हुई है कोडिंग, तो ये नोट पैड आ गया। चले मैंने एक नया बना लेता हूँ, ये देखिए पहला स्टेप क्या है, नोट पैड ओपन कर लिया हमने, ये आप इधर लिखेंगे नोट पैड, मैंने दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखिए नोट पैड इधर आ गया, ये वाला जिधर मैंने क्लिक किया ये नोट पैड आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, राइट सम HTML कॉन्टेंट, उसमें क्या लिखने, नोट पैड पे कुछ ना कुछ हमने कॉन्टेंट लिखने हैं, यानी कि टैग्स लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसको सेव करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक ऑन HTML फाइल, फिर उसको क्या कर लेना, क्लिक कर देना और हमारे पास इस तरह की शो हो जाएगी वेबसाइट।
अब जो ना मैं देखें नोट पैड मैंने ओपन किया, अब यहां मैं कुछ लिखता हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली हम एक वेब पेज बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारा शो होगा। सबसे पहले क्या करना है ये देखें, ये शिफ्ट और ये एंगल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, शिफ्ट के साथ आता है ये, ठीक है। शिफ्ट और यहां मैं लिखूंगा, ये आता है जी शिफ्ट के बाद ये वाला आ गया, उसके बाद आएगा डॉक। ये हर एक जब भी एक वेब पेज बनेगा उसमें ये तमाम ये जो मैं चीजें बता रही हूँ लाजमी तौर पर हर वेब पेज में आएगी। डॉक टाइप आएगा इसमें, ये सेम इसी तरह ही लिखना है। फिर आ जाएगा HTML। डॉक टाइप का मतलब डेक्लेरेशन टाइप के, किस तरह किसके ऊपर हम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हम बनाना चाह रहे हैं HTML के ऊपर, तो इसको बंद कर दिया, ये हो गया। उसके बाद आएगा हमारे पास HTML आएगा, इसको बोलते हैं जी हमारे पास आ गया ओपनिंग टैग, और साथ ही हमने क्या लिख देना क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग किस तरह लिखेंगे वो मैं बताता हूँ, ये देखिए उसमें एक और आपने बनाना है इस तरह का, और ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी, ये देखें इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और क्या लिख देना है HTML। ये हमारे पास जितना भी हमारे पास जो डाटा होगा ना इसके दरमियान लिखा जाएगा, यानी जो भी हमने वेब जो भी चीजें लिखनी है इसको आप इसकी मदद से कर दें। ये वाला जो हमारे पास टैग है ना, जो ये वाला, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। और उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी, बॉडी का मतलब है कि जो चीजें हम शो करवाना चाहते हैं। ये देखिए ये ओपनिंग टैग आ गया है, और इसके बाद लिखेंगे हम इसका क्लोजिंग टैग। स्टूडेंट ये जो लाजमी तौर पे हर एक जब भी आपने बनाना है ये आपने लिखनी है, तो ये देखिए उसके बाद क्या करना है, बॉडी के अंदर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ हेडिंग देना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ हेडिंग के लिए मुझे टैग जो यूज करता हूँ वो होता है हमारे पास H1। H1 ये हमारे पास हो गया ओपनिंग टैग, यानी कि दो टैग होते हैं ना कि किसी भी चीज को, यानी पैराग्राफ को लेना है, हेडिंग को लेना है, इमेज को लेना है, या कोई लिंक लगाना है, तो उसके लिए दो होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग हो गया, यहां मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग समझने के लिए, ठीक है माई फर्स्ट हेडिंग। तो स्टूडेंट ये देखिए मैंने लिख दिया माय फर्स्ट हेड, ये ओपनिंग, ये देखिए ये ओपनिंग टैग था, अभी हम क्या लगाने लगे हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग भी उसी तरह होता है लेकिन उसमें आ जाती है फॉरवर्ड स्लैश, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश आ गई और H1 आ गया, इसको बंद कर दिया। तो ये एक हो गया, एक और मैं टैग टैग लगाना चाहता हूँ, चलें इसको ही अभी कर लेते हैं। इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो सेव किस तरह करना है, आपने यहां से चले जाएं आप सेव कर ले, और यहाँ जो एक्सटेंशन आपने रखनी है ना वो रखनी है .html, ठीक है। ये देखिए इसका नाम रख लें कोई, मैं लिख लेता हूं प्रैक्टिस, और ये एक्सटेंशन होती है निशानी .html लिखनी है .html, ठीक है, यानी नाम के साथ .html लिखे हैं, इसको कर ले आप सेव, सेव डेस्कटॉप भी कर ले, ये सेव हो गया। अब ये मेरी फाइल क्या हो गई है सेव, छोटा सा मैंने कोड लिखा है, देखिए यहाँ ही लिखा हुआ था ओपन द टेक्स्ट एडिटर, हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, ये वाली चीजें लिखी हमने, ये वाली जो इधर नजर आ रही है आपको, ठीक है। उसके बाद सेव कर लिया, सेव किस तरह करना है, सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन .htm या .html, इसकी मदद से करना है। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखे इंडेक्स .html लिखा हुआ था, ठीक है, जिस तरह हमने प्रैक्टिस .html या इन ऑर्डर टू व्यू, अब देखना है कि हमने वो जो पेज बनाया वो शो किस तरह का होता है वो देखें। अब हमारे पास वो शो था डेस्कटॉप पे तो उसको देखते हैं, ये देखें प्रैक्टिस, इधर किया राइट क्लिक, क्योंकि नोट पैड पर लिखा हो तो इसको आपने चलाना है ओपन विद गूगल, गूगल की मदद से चलाएंगे तो हमारा पेज क्या हो जाएगा शो। ये देखिए आगे माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमने एक पेज बनाया जिसमें सिर्फ अभी हमने सिर्फ एक एक टैग का इस्तेमाल किया है H1 का। अब स्टूडेंट गौर करें इस पे अगर आप, तो ये सिर्फ जो हमारा था ना H1 के दरमियान ये आया, ये बाकी चीजें हमें शो नहीं हुई, ये क्योंकि ये बता रही होती है कि इसके अंदर जो आएगा वो सारा शो होना है। अब लेट सपोज यहाँ हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है यूज पी, पी किया ये हो गया ओपनिंग टैग, और यहाँ कोई भी पैराग्राफ आप लिख लें, या मैं इधर से देख लेते हैं BBC HTML बाय, जिस तरह स्टूडेंट देख के मैंने इंटरनेट पे एक ये पैरा खोला है, इसको जिस तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, सेम जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे कोई भी आप कॉपी कर लें उधर से, तो इसको हम लिखते हैं, ये देखें ये मैंने ना देखे पैराग्राफ का ओपनिंग टैग लगा दिया है, अभी क्लोजिंग नहीं लगाया लेकिन इससे पहले ये जो मैंने पैरा लिखा है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा सा साइज हो गया जैसे ज्यादा फॉर्मेट, तो
साइज को कर लेते हैं कम, ठीक है। तो उम्मीद है अभी आ जाएगा इधर में, अभी भी नहीं इसमें आ रही है, ठीक है यहां से कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने पी का लगा दिया, इसको अब क्लोज करना है हमने। क्लोज किस तरह करेंगे, यहां जब पैरा खत्म हो रहा है तो क्लोज किस तरह करेंगे, लगाएंगे पी हम, लेकिन क्या लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश और यहां आ जाएगा पी। तो इसको कर लें हम सेव, यहां से सेव कर लें कंट्रोल एस की मदद से कर लें। तो अब हमारे पास जो आएगा ना दोबारा इसको रन करते हैं, प्रैक्टिस के नाम से इसको सेव किया होता है इधर, इसको राइट क्लिक किया और यहां करने ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है, यानी कि एक वेबसाइट बनाई उसके ऊपर हमारी ये पैराग्राफ आ गई, ये भी हमने टैग सीख लिया। तो स्टूडेंट ये सारी उम्मीद आगे आता है आइडेंटिफाई द टैग यूज टू मार्क। दो तरह के टैग होते हैं, एक होते हैं पेयर टैग्स। पेयर टैग्स का मतलब है जहां दो टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ये देखिए हमारे पास ये पी था पैराग्राफ के लिए, ओपनिंग टैग था और ये क्लोजिंग टैग था, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगानी थी, ये वाला देख लें आप इधर। तो ये हमारे पास होते हैं पेयर टैग्स, और एक ऐसे टैग होते हैं जो सिंगल होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, यानी कि फॉरवर्ड वाला नहीं होता, उसको बोलते हैं सिंगुलर टैग्स, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये देखें पेयर टैग्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन एचटीएमएल आर पेयर टैग्स, ज्यादातर जो टैग्स हैं एचटीएमएल में वो कौन से टैग्स हैं, पेयर्ड है, यानी कि उनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग भी। दे कंसिस्ट ऑफ स्टार टैग एंड एंड टैग एंड कॉन्टेंट बिटवीन दैम, और उनके दरमियान जो डाटा होता है, ये देखें जिस तरह एग्जाम्पल लिखी हुई है। और सिंगुलर टैग कौन से होते हैं, जो सिंगल, यानी सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग, सम कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग टैग नहीं होते, इनको एम्प्टी टैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें दरमियान में डाटा नहीं आता। जिनमें दरमियान में डाटा आता है वो होते हैं पेयर टैग्स। दे आर कॉल्ड सिंगुलर टैग्स आर एम्प्टी टैग्स, दे आर सिंपली रिटन एज, सिर्फ क्लोजिंग टैग नहीं होते इसमें, सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं। जिस तरह अभी इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखें हमने पैरा लिखा हुआ था, ये थोड़ा हमने ज्यादा मतलब बड़ा पैरा लिख लिया, तो इसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, यहाँ से काम कर लेता हूँ ताकि आपको समय लग जाएगी बात की। इसको करें डिलीट, यहाँ एक छोटा सा मैं पैरा लिख लेता हूँ, डियर कैडेट्स, डियर कैडेट्स, ठीक है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो फॉर्मेट चेंज कर लें और यहाँ से बदल लें इसको, ये हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डियर कैडेट्स के आगे जो लिखा जाए ना वो नेक्स्ट लाइन पे आए, ठीक है, वो क्या है नेक्स्ट लाइन पे। तो हम क्या लगाएंगे, एक टैग लगाएंगे जिसको बोलते हैं ब्रेक, और ये सिंपल होता है, ये देखिए बी आर लगा दूंगा मैं, बी आर ये लिख रहा हूं, ये हमारे पास सिंगुलर टैग है, क्योंकि ये क्या करता है अगली लाइन पे ले जाता, जो अभी लिखते हैं डियर कैडेट्स हाउ आर यू, अब ये दोनों लफ्जों को क्या करेगा न्यू लाइन पे लेगा, हाउ आर यू। अब ये जो हमारे पास है ना, ये वाला पी और ये पी, ये तो हो गए हमारे पास पेयर टैग्स, और ये वाला जो ब्रेक है ये सिंगुलर टैग्स, क्योंकि इसका सिर्फ ओपनिंग टैग हमने लगाया है, क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है। इसका काम क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे हमें ले जाएगा। इसको कर लें सेव कंट्रोल एस की मदद से, या यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा ओपन करें, आपको दोनों लैदा लैदा नजर आएंगे स्टूडेंट, अभी देखते हैं इसको। इसको ओपन किया, यहां से किया हमारे पास गूगल क्रोम, ये देखिए आ गया इधर डियर कैडेट्स हाउ आर यू, यानी कि एक लाइन के बाद दूसरी जो जहां हमने ब्रेक लगाया था वो क्या करता है, जो भी उसके आगे लिखा जाता है उसको न्यू लाइन पे ले जाता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, दोबारा देख लें, ये हमारे पास जो बी आ रही है सिंगुलर टैग है। तो स्लाइड्स पे आते हैं दोबारा, सिंगुलर टैग समय लागी है, हॉरिजेंटल देखें बी आर लिखा हुआ फॉर लाइन ब्रेक, यानी कि एक ब्रेक लाइन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे अगर लिखना, हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, जो हमने लिखा उसके साथ लाइन लिखी जाए, नीचे ना लाइन लिखी जाए। तो ओके इसको भी लगा लेते हैं। तो हम मैं चाहता हूं कि इसके ये इस ये जो लिखा हुआ है ना डियर कैडेट हाउ आर यू, इसके नीचे ना एक लाइन लग जाए, तो क्या लगाएंगे हम, एच आर लगा देंगे, और ये भी सिंगुलर टैग है, इसको बंद कर देंगे। देखिए सिर्फ एक ही मैंने टैग लगाया, ओपनिंग टैग, तो इसको सेव कर लें इधर से, और अब लाइन लग जाएगी हमारा जो लिखा हुआ है ना डियर कैडेट ये वाला। तो इसको स्टूडेंट इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट भी आपको भी विजिट करवाते हैं, बड़ा आसान सा ये टास्क है। इधर गए ओपन पे और यहाँ गए, ये देखें लाइन लग गई है, ये देखें एक लाइन लगी हुई है वाली, ये जिधर मैं माउस किया हुआ, ठीक है। आगे स्टूडेंट वही बात की, मेन सेक्शन इन वेब पेज, जो वेब पेज है हमारे पास उसमें वो मैंने बताया था कि
HTML आता है, HTML के बाद हेड भी आ जाता है, हेड भी यूज होता है ठीक है, और उसके आगे टाइटल भी आ जाता है, और ये टैग है यानी हेड के और टाइटल के टैग, उसके बाद बॉडी आता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसको किस तरह करेंगे ये देखें, ये भी इधर खोला और इससे पहले लगाने वाले आपने क्या लगा लें, हेड, हेड के लिए लिखेंगे, हेड होता है मतलब बॉडी से ऊपर जो, जिस तरह हमारा बॉडी उसके ऊपर जो मेन यानी बॉडी से ऊपर जो पार्ट उसको बोलते हैं हेड, ये हमने लगाया ओपनिंग टैग, और इसके साथ ही क्या लगा देंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग क्या होगा फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी साथ, तो ये भी आगे हेड। अब इनको दोनों को कर दें सेपरेट, सेपरेट किस तरह करना है ये स्पेस की मदद से, और यहाँ टाइटल लगा दें आप ठीक है। टाइटल के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी यूज होगा ओपनिंग टैग टाइटल, और ये उसको कर दिया हमने बंद। अब इसका क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग भी इधर लगा दे, बाद में स्पेस दे देंगे टाइटल ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको स्पेस लगा दें, यहाँ कोई भी टाइटल दे दें, ये अंडरस्कोर जिस तरह मैं कहता हूँ सीसीपी, सीसीपी यानी कैडेट कॉलेज सरूर, तो इसको क्या करना है सेव कर देना है आपने। ये देखिए कि बॉडी से पहले मारा गया हेड, और हेड के अंदर क्या आ गया टाइटल, देखिए हेड को भी ये ओपनिंग टैग है हेड का, और ये क्या है क्लोजिंग टैग है। तो इसको चलाते हैं अभी आपके सामने, ये वाला इसको किया क्लिक ओपन, ये देखिए आ गया माय फर्स्ट हेडिंग डियर कैडेट्स ठीक है, ये हेडिंग मैं हमने दे दी इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये टैग्स हैं सारे, टैग की मदद से हमारा सारा कुछ बनता है। तो अब ये जो वेबसाइट है ना उसका मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, ज़्यादा आसान काम उधर ही इस वेबसाइट के ऊपर आप कर सकते हैं। ये देखें वेबसाइट का नाम क्या, W3 School, अगर लिखें ना आप W3 School तो वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं W3 School। ये देखें पहले आपने ओपन कर लेनी है W3 School लिखा हुआ वाला। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ ना ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये गए हम HTML लर्न HTML पे गए ठीक है, ये देखें HTML का आ गया, और यहाँ आ गया इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ सारा का HTML को किस तरह आपने सीखना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से किस तरह आप कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन पे गए, उसने बताया होगा कि व्हाट इज HTML, HTML stand for Hyper Text Markup Language, is the standard markup language for creating web pages, web pages को बनाने के लिए, describe the structure of web page, website की structure को बताती है, सारी चीजें लिखी हुई हैं इस पे ठीक है। तो ये जरा आप इधर से पढ़ सकते हैं आप, तो लेकिन जो मेन चीज है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से जो हमने करनी है वो जी HTML editor। HTML एडिटर क्या मतलब है कि हमने नोट पैड के ऊपर प्रैक्टिस की थी, तो यहाँ भी इसके ऊपर भी कुछ उन्होंने दिए हैं, यहाँ से भी ये देखिए उन्होंने सारा स्टेप लिखे हैं, ओपन नोट पैड, ओपन टेक्स्ट एडिटर, ये आपको इधर से सारा मिल जाएगा ठीक है जी। सेव करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, बेसिक क्या HTML के बेसिक, ये देखें लिखा हुआ है HTML डॉक्यूमेंट बेसिक क्या, यहाँ से शुरू होता है डॉक टाइप, ये बता रहा था कि वेब पेज जो हमारा किस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, वो बनाया गया HTML, HTML हेडिंग है, हेडिंग भी है ठीक है। तो इसको अगर ओपन कर लें यानी कि इसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। ये देखें इसको अगर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये भी हमें फैसिलिटी है ऑनलाइन यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए लगा डॉक HTML, ये HTML की बॉडी है ये सारी, और ये देखें हेडिंग लिखी हुई है, हेडिंग का मतलब है कि H1 लिखेंगे तो बड़ा साइज में लिखा जाएगा, फिर 2 उसे कम हेडिंग है, 3 कम है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं ये चेंज कर देता हूँ हेलो पाकिस्तान लिख देता हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इधर, यहाँ लिखा हुआ रन करेंगे देखें चेंज हो गया। तो ये बता हमें कह रहे हैं, ये देखें ओपनिंग टैग है H1 का, और ये H1 का क्या है क्लोजिंग टैग, मुख्तलिफ वर्ड आप लिख सकते हैं ठीक है कैडेट, तो इसको रन कर लें इधर, ये आसान तरीका। ये देखें हेडिंग 1 में हेलो पाकिस्तान, 2 में ये आ गए, सारे आप कर सकते हैं इधर चेंज, ये वाले चेंज नहीं करने HTML वाले, HTML ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग और ये डॉक टाइप, ये दरमियान में हम कर सकते हैं काफी ज्यादा,
ये आगे इसका, उसके बाद आ जाती है पैराग्राफ का, पैराग्राफ का हमने बोला था जिसमें पी होते हैं, ये देखिए ट्राई इट योर सेल्फ, ये दिखल दिस इज द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ आप कोई भी पैराग्राफ लिख लें। पैराग्राफ का होता पी और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं इसके, ठीक है। ये देख लीजिए जिसमें लिख देते हैं हेलो। अब मैं चाहता हूं कि इसके हेलो के बाद जो है ना वो उस नए न्यू लाइन पे है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम लगा देंगे सिंगुलर टैग बी आर, ब्रेक बोलते हैं इसको, बी आर लगाएंगे, ठीक है बी आर। तो मैं लिखूं हेलो पाकिस्तान, अब ये होगा दोनों डिफरेंट लाइन पे आएंगे ये वाले, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समय लग रही होगी बात की, ये देखें हेलो पाकिस्तान, अगर ये एक ही लाइन पे लेके आने तो इस बी आर को खत्म कर दे जो कि सिंगुलर टैग है, तो एक ही लाइन पे आ जाएंगे ये देखो। बाकी पैराग्राफ में मैंने नहीं लिखा कुछ, तो इस वेबसाइट पे ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमारे पास है। आगे हम देखते हैं, इधर स्लाइड से देख लेते हैं, पैराग्राफ का भी हो गया, स्पेस का भी हो गया, स्पेस का बताया बी आर ब्रेक के लिए, इंसर्ट स्पेसेस भी होता है, ये लाइन ब्रेक और ये इंसर्ट स्पेसेस है, ठीक है। इंसर्ट स्पेसेस का मतलब है हम जो लिखते हैं न्यू लाइन पे ना है उसी लाइन के दरमियान स्पेसेस बन जाए, जिसमें यहाँ लिखा हुआ स्टडी नाइन्थ क्लास, तो ये देखें आई स्टडी ये आ गया। इसके लिए कौन से टैग यूज होंगे, ये वाले एट द रेट एन बी पी एस, ये वाले टैग यूज होंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये जब लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा एन बी एस पी, जिस तरह मैं अभी आपको इधर प्रैक्टिस करवा देता हूँ इधर ऑनलाइन ही, एन बी एस पी, मैं यहां कुछ वर्ड लिखता हूं हेलो तो आगे मैं लिखता हूं एन, ये एट द रेट इसको बोलते हैं, ये देखिए स्पेस आ गई है, कॉमा भी लगाना साथ, तो जितने आप लगाते जाएंगे उतनी स्पेसेस बढ़ती जाएंगी। इसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट करते जाएं आप, ये देखिए पेस्ट, ये स्पेसेस उतनी न्यू लाइन ही आएगी, इसी लाइन के ऊपर स्पेस क्या होंगी बढ़ती जाएंगी, ये देखिए कम करेंगे तो कम हो जाएगी, ये होता है स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये भी टैग है, हेडिंग के लिए मैंने बता दिया है, वो भी हमने डिस्कस किया था इधर भी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉन्ट वाले टैग भी हैं इधर, बोल्ड करना है फॉन्ट को वो वाले हैं, ये देखें ये भी प्रैक्टिस कर लेते इधर, बल्कि वेबसाइट के ऊपर ही होगी ये। मैं चाहता हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ ना वो बोल्ड हो, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे, जिस तरह मैं लिखता हूँ बोल्ड का मतलब वो पैराग्राफ हाईलाइटेड होना चाहिए ब्लैक कलर में, जिसमें मैं लिखता हूँ डियर कैडेट्स, लेकिन ये बोल्ड आना चाहिए, बोल्ड के लिए यूज़ करेंगे बी, ये कर लिया बी ओपनिंग, ये क्लोज हो गया, और एक और लगाएंगे इसका क्लोज भी हमने करना है, ये फॉरवर्ड स्लैश बी। अब इनके अंदर जो लिखेंगे ना वो बोल्ड लिखा नजर आएगा हमें, ठीक है। जैसे मैं हेलो पाकिस्तान ही लिख देता हूँ, हेलो पाकिस्तान, तो स्टूडेंट ये जरा देखिएगा आप इसको, ये देखिए बोल्ड, इसका कलर चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं बोल्ड इटैलिक, यानी कि इसमें हम चाहते हैं कि लाइन भी लग जाए, या इसका जो ना डिजाइन इस तरह हो जाए कि साइड पे नजर आए, या इस अंडरलाइन कर लें, तो उसके लिए यूज करेंगे हम, इधर यूज कर लेते हैं आई, ये इधर लिखा भी हुआ इधर, ठीक है स्लाइड्स में, ये वाले मैं बात कर रहा हूँ उनकी, ये वाले आई बोल्ड, ये वाले, ठीक है। यू अंडरलाइन के लिए होता है, ये इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, आई को मैं यूज़ करता हूँ इधर, ये ओपनिंग टैग कर लिया, इधर लिखा आई, सॉरी ये वन लिखा गया है, आई लिखना है आई, उसके बाद इसको क्लोज भी करना है हमने, नहीं क्लोज करेंगे इस पैरा के बाद, यहाँ यहाँ क्लोज करेंगे इसको हम, ठीक है। अंडरस्कोर फॉरवर्ड स्लैश और ये आ गया आई, ये देखें ये थोड़ा बदल गया इधर से, देखें इस तरह थोड़ा तिरछा लिखा गया है। तो ये सारी प्रैक्टिस आप स्टूडेंट यहाँ से कर सकते हैं, प्रैक्टिस है जस्ट इसकी। आगे हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपर लिंक हमने लगाना है अपनी जो वेबसाइट है इसके ऊपर हाइपर लिंक लगाना है। हाइपर लिंक का मतलब क्या है, ये देखें इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं एक दूसरे पेज पर चले जाऊँ, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। वो किस तरह ये आ गया स्टूडेंट हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, ये आपका टास्क है, इसके आपने डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इज सच एन आइकन
या ऐसा कोई ये आइकन होता है, निशान या ग्राफिक होता है या टेक्स होता है इन अ वेब पेज, वेब पेज के ऊपर, दैट वेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज। ये देखें हम उसके ऊपर क्लिक करें, इस यानी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। ये देखें, या इधर क्लिक ही कर लें इसको, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, अब हम अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं उस पर हाइपर लिंक किस तरह लगा सकते हैं, वो हमारा टॉपिक है। क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अ वेब पेज, हाइपर लिंक किस तरह वेब पेज पे क्रिएट किए जाते हैं, इसके लिए टैग यूज होता है ए, एंकर टैग भी इसको बोलते हैं। ए यूज होगा, ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग ये वाला है, ये देखें ये वाला, ये इसका क्या है, क्लोजिंग टैग है। और दरमियान में उस वेबसाइट का क्या लिख देते हैं हम, लिंक लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा क्या बन जाता है, उसका हाइपर लिंक। जिस तरह यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल की हुई स्टूडेंट, वही आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल की हुई इधर, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं इसका, आई थिंक ये काफी है। ये देखिए मैंने एक टैग लगाया ए, ये देखें ये जिधर मेरा माउस, स्टूडेंट बात कर रहा था हाइपर लिंक की। ये देखें इसके लिए टैग यूज होता है ए वाला, ये ओपनिंग है इसका, और इसके साथ ही मैंने लिखा है एच रेफ। एच रेफ का मतलब था रेफरेंस, किसका रेफरेंस देना है, उस वेबसाइट को जिसको वेबसाइट का देना है, वेबसाइट का दे दें या किसी इमेज का देना है, किसी का भी दे सकते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया www.google.com, और यहाँ मैंने लिख दिया किस लिए ये विजिट करें जी गूगल को, और ये इसका क्या है क्लोजिंग है, वो ओपनिंग था, ओपनिंग के अंदर क्या लिखा हमने, रेफरेंस लिख दिया। और ये बी आर का मतलब है कि ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन पे शो करवा देना इसको। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, और एक ये मैंने और लिंक दिया हुआ है एच रेफ, दो लिंक दिए हुए हैं, ये बीबीसी न्यूज का दिया हुआ विजिट बीबीसी ये वाला लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको जरा जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें इसकी प्रैक्टिस इधर कर लें इसको ओपन, ये देखें ये अगर इसको आप जूम करें तो आपको ये नजर आ जाएगा, एक लिखा हुआ विजिट गूगल डॉट कॉम, ये मैंने लिंक दिया तो मैं किधर पहुंच गया हूँ, गूगल पे। आप भी अगर इसको लगाना चाहते हैं या कोई और लिंक लगाना चाहते हैं तो खुद आप भी लगा सकते, गूगल बीबीसी है लिखा, बीबीसी को क्लिक करेंगे तो हम बीबीसी वाले वेबसाइट पे क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे। इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्रिएट करने का ये तरीका स्टूडेंट मैंने बता दिया, ए से शुरू होता है और वो लिंक लिख देना आपने। तो उसके बाद एंकर क्या होता है, एंकर वही ए को बोलते हैं, जो ए यूज हुआ इसको बोलते हैं एंकर। ठीक है, एंकर लिंक अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज टू अनदर पार्ट, यानी कि हाइपर लिंक हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाता है। तो इसमें एक और ये भी यूज होता है, ये एग्जाम्पल भी आपने करी, क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ पेज एंड गिव इट अ नेम। अगर देखिए समटाइम हम ऐसे होता है कि हम वेबसाइट को जब उसकी बॉटम पे चले जाते हैं तो हमें उधर ऑप्शन आता है गो टू टॉप, तो उसके लिए भी हम एक टैग यूज करते हैं, वो होता है यूज ये वाला। ये देखिए ओपनिंग, ये लिख लिया नेम टॉप, और इधर लिखना है ये क्लोजिंग टैग है, और साथ जब उसको लिखना है ना बाद में वो लिख देना एंड पे एच रेफ, और यहाँ जो नाम उधर दिया होगा आपने, टॉप दिया या जो भी दिया, वो सेम नाम इधर लिखना आपने। इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट कुछ इस तरह है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें कोड जो मैंने लिखा हुआ है वो आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो कोड है ना, वहां से आप ये चीजें देख सकती हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये जो मैंने अभी बात की है, यहाँ स्टूडेंट मैं लिखता हूँ एंकर ए, और यहाँ लिख देना नेम, और ये इक्वल साइन, और ये डबल कोटेशन यहाँ मैं लिख देता हूँ टॉप, इसको भी डबल कोटेशन में ये बंद कर दिया। ये तो हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने का मैंने बताया था ए लिखेंगे, नहीं फॉरवर्ड स्लैश ए, उसके बाद इसको क्लोज, ये तो हो गया। अब इसको ना मैं चाहता हूँ यहाँ ये सेम चीज़ इधर हो, और जब मैं क्लिक करूँ तो इधर आ जाए, तो ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करें आप और यहाँ क्या कर दें, या आप खुद भी लिखना चाहते हैं तो लिखते, यहाँ क्या लिखेंगे एच रेफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे एच रेफ, रेफ का मतलब है रेफरेंस, और इसके टॉप के साथ लिख देंगे ये वाला, ठीक है हैश साइन। ये देखें ये वाली स्लाइड जो मैंने भी बात की थी, ये क्रिएट एन एंकर एट द टॉप, टॉप पे हमने क्रिएट कर लिया, ये देखें टॉप पे भी हमने क्रिएट कर लिया ना ये वाला, ये देखें ये वाला टॉप, और उसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर क्या करना है बॉटम पे भी करना है उसी नाम एच रेफ के साथ सेम, और आगे लिख देना गो टू टॉप या जो भी आपने मैसेज देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गो टू टॉप, गो टू टॉप, इसको सेव कर लें। अब हमें ये शो होना चाहिए इधर, अभी देखते हैं इसको करके,
ये के टेस्ट फाइल पे हमारे पास ये स्टूडेंट, ये देखिए आ रहा है गो टू टॉप। अभी तो मैंने क्योंकि ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखा, तो इसको ये होता है कि जब हम नीचे किसी वेबसाइट में चल जाते हैं तो हम ऊपर जाना चाहते हैं शुरू में, तो ये वाला टैग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी भी आप स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये देखें लिखा हुआ है टॉप ऑफ द पेज और ये एंड ऑफ द पेज है। जब क्लिक करते हैं तो हम ऊपर ये लिखे, इसको क्लिक करते हैं तो फ्रंट पे चले जाते हैं, अक्सर वेबसाइट में इस तरह आते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टास्क था वो इसको आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। तो HTML यहाँ से ओपन कर लेना आपने, और HTML के बाद किधर जाना है, ये वाला पढ़ना है HTML एडिटर, बेसिक पे चले जाना है। बेसिक पे जाके स्टूडेंट आपने ये वाली प्रैक्टिस कर लेनी, यहाँ से जो मैंने अभी बताई थी इधर से कर लें, ये चेंज कर लें जिस तरह मैंने पहले भी इसको आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, टैग नहीं आपने चेंज करने, टैग आपने वही रखने हैं, उसको चलाएंगे तो वो आ जाएगा। तो ये वाली सारी आपने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला करना है बेसिक वाला, और इसमें से एक आपने कर लिया ना लिंक वाला। ये जो लिंक वाला है, लिंक वाले में क्या होगा, जिस तरह अभी हमने हाइपर लिंक बनाया था तो इसमें देख लें ये वाले लिंक यूज हुआ, इधर आ रहा है वट्राई। ये देखें ए, हमने पैराग्राफ के अंदर लिंक लगाया ए एच रेफ, ये लिंक लगा दिया, सही है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो हम डब्ल्यू की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ये वाली वेबसाइट पे। तो स्टूडेंट ये जो लिंक है ना, ये आपने करने हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ लग गया होगा। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आज हमने देखा कि एक वेबसाइट है जो उसको इब्तदाई तौर पर वो कौन सी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं, उसमें हमने देखा टैग्स देखे हैं, और टैग में हमने पैराग्राफ के टैग देखे हैं, हाइपर लिंक के टैग देखे हैं, ब्रेक का टैग देखा है। ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा।